नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानी चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे अनुपमा शो के बारे में। अनुपमा से बेताल प्यार करने वाला अनुज ही बने जाएगा अनुपमा का दुश्मन। अनुपमा की जिंदगी में अगर खुशियां आती हैं तो मुसीबतें भी आने के लिए तैयार रहती है। अब हाल ही में अनुपमा दादी बनने वाली है, किंजल की बेटी हो का जन्म दे दिया है। अनुपमा किंजल के पास रहकर उसका पूरा ध्यान रखेगी। वह शाह परिवार के साथ भी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इस बीच में अनुज घर में अकेला परेशान हो रहा है। वह अनुपमा के पास रहना चाहता है, लेकिन अनुपमा शाह परिवार और किंजल के साथ बिजी है। अब तक अनुपमा का हमेशा साथ देने वाला और उसे सभी मुसीबतों से बचाने वाला अनुज खुद अनुपमा के लिए मुसीबत बनने जाएगा। दरअसल अनुज अनुपमा और वनराज को अस्पताल में साथ देखकर थोड़े इनसिक्योर हो जाता है। इसके बाद वह जल्द बिजी से लेकर सोचने लगता है। अनुज अस्पताल से वापस आने के बाद अनुपमा का इंतजार करेगा, लेकिन अनुपमा वापस नहीं आएगी और इसके बाद अनुज और परेशान होने लगेगा। अनुपमा अनुज में दरार। अब आने वाले समय में जब अनुपमा किंजल की बेटी को संभालेगी और उससे ध्यान में बिजी हो जाएगी, तो क्या अनुज और उसके रिश्ते में इसका बुरा असर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में अनुज और अनुपमा के रिश्ते में दरार आ जाएगी? क्या अनुपमा से प्यार करने वाला अनुज ही उसके लाइफ में दुश्मन बन जाएगा? खैर, आगे क्या होगा वह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। राखी ने तोड़ा परिशोध का बाड़। राखी अस्पताल में आती है और किंजल और उसकी बेटी को देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह फिर परितोष से बारे में खुलासा करती है। इसके बारे में सुनकर वनराज और अनुपमा सबसे बड़ा झटका लगता है। वह बताती है कि परितोष को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, राखी सबके सामने परितोष का कॉलर भी पकड़ लेती है। वह फिर कहती है कि अब वह अपनी बेटी और नैतिक को लेकर अपने घर चली जाएगी। वह किंजल को शाह परिवार से घर नहीं रहने देगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।